नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंजाइम प्योरिफिकेशन के लिए। और एंजाइम प्योरिफिकेशन में जो है कई सारी चीज़ें जो है वो आती है, और इसमें दो तीन टर्म्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक टर्म जो आ जाता है वो है फोल्ड प्योरिफिकेशन, और एक टर्म जो है वो आ जाता है आपके दैट इज परसेंटेज एल। तो मैं यहाँ पे PYQs को मद्देनजर जो है वो रखते हुए डिस्कस करूंगा, इसलिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए ही चलेंगे। तो फिलहाल के तौर पे जब भी हम किसी एक प्रोसीजर में जाते हैं, मतलब हमारे पास किसी एक सेल से जो है वो हमने क्रूड एक्सट्रैक्ट या एंजाइम को जो है वो आइसोलेट किया, और इस एंजाइम को आइसोलेट करने के बाद हमें इस एंजाइम से चेक करना है कि ये एंजाइम कितना परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन पे जो है कितना फोल्ड प्योरीफाई हुआ है और कितना जो है इसका यील्ड मेंटेन्ड है, उसके लिए जो है वो चीज़ें आती हैं। तो याद रहे कि जो फोल्ड प्योरिफिकेशन होता है ये स्पेसिफिक एक्टिविटी का रेशियो होता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी आफ्टर कितना जो है प्योरिफिकेशन है, और स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है वो बिफोर कितना है, इसकी बात हो रही है। और जब परसेंटेज यील्ड की बात आती है तो इसमें एक्टिविटी की बात आती है, और एक्टिविटी जो है वो जब हम प्योरीफाई करने के बाद कितनी एक्टिविटी बची है, और उसके बाद जो है परसेंटेज की बात करेंगे तो एक्टिविटी जो है कितना पहले थी, तो कितना पहले थी बिफोर डिवाइड बाई आफ्टर इंटू 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। और इसी का जो है हम यूज करने वाले हैं आफ्टर अपॉन बिफोर का, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसमें देखने की कोशिश करते हैं। तो आप शुरू में जो है वो सेल लाइसिस किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, फिर सॉल्टिंग आउट किया, फिर आपने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किया, फिर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी किया। अब जो प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस से जो है बेसिक तौर पे आपने प्योरिफिकेशन प्रोसेस शो किया थे। अब टोटल प्रोटीन यहाँ पे इन्होंने शो किया, टोटल प्रोटीन का अमाउंट 75 mg था, फिर उसके बाद 54 mg था, फिर 12.3 mg था, और ये जो है वो 0.93 mg है। ये टोटल प्रोटीन का अमाउंट जो है आफ्टर प्योरिफिकेशन आपको जो है वो इस तरीके से होता चलता रहा। जब आप एक्टिविटी चेक करते हैं तो 75 mg के लिए जो एक्टिविटी आई थी यूनिट्स में, यूनिट्स यानी माइक्रोमोल पर मिनट में, अब यूनिट्स जो SI यूनिट होता है उसको बोलते हैं माइक्रोमोल पर मिनट में, तो वो 25,000 है, फिर 23,000 है, फिर 12 यूनिट का 21,000 है, और फिर इसका 18,633। अब इसके बाद एक डेफिनेशन आता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी, और स्पेसिफिक एक्टिविटी इज नथिंग, इट इज एक्टिविटी डिवाइडेड बाय प्रोटीन इन एमजी। तो आप एक्टिविटी और एमजी को डिवाइड कर लीजिए, यानी ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है यानी 25,000 डिवाइड बाय 75 है। जब आप इसी को जो है वो 75 से जो है डिवाइड कर दोगे तो ये रेशियो आ जाएगा आपका एक्टिविटी, और फिर 23 इसको डिवाइड करोगे आप बेसिक तौर पे 54 से तो आपका आ जाएगा ये, इसको आपने डिवाइड किया 12.3 से तो ये वैल्यू आ गई, और इसको आपने डिवाइड किया 0.93 से तो ये वैल्यू आ गई। तो आपने जो है हर एक्टिविटी को जितना प्रोटीन का अमाउंट था एमजी में डिवाइड कर दिया, तो ये यूनिट्स पर एमजी में जो है वो आ गया, ये इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी। और हर स्टेजेस पे जो है स्पेसिफिक एक्टिविटी या प्योरिफिकेशन का लेवल जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। अब जो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो यहाँ पे पूछे जाते हैं वो एक परसेंटेज यील्ड पूछा जाता है, और साथ में एक प्योरिफिकेशन का लेवल, जिसको दूसरे शब्दों में आप बोलते हैं कितना फोल्ड जो है प्योरीफाई हुआ। अब जब मैं पहले लेवल की बात करता हूँ प्योरिफिकेशन लेवल फर्स्ट में, तो इसमें जो यील्ड था वो अपने ही रिस्पेक्ट में, क्योंकि शुरुआत यहीं से हो रही हो, तो इसके लिए जो है इसका अपने लिए 100% यील्ड होगा, यानी इट इज गोइंग टू बी द 75 डिवाइडेड बाय 75, तो ये इंटू 100 करोगे तो 100% हो जाएगा। और जो फोल्ड प्योरिफिकेशन है, क्योंकि अभी यहीं पे ही प्योरीफाई हुआ है, तो ये स्पेसिफिक एक्टिविटी जो हो जाएगी वो एक्चुअली में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। याद रहे कि यहाँ पे जो केस बन रहा है, ठीक है ना, तो आप इस तरीके की चीज़ों को शो करते हैं, तो मैं जरा सा आपको शो कर देती हूँ, ठीक है। तो यील्ड जो है वो एक्टिविटी का जो है वो डिफरेंस होता है, ना कि प्रोटीन का। तो यानी कि ये एक्चुअली में होगा 25,000 डिवाइडेड बाई 25,000, ये रेशियो इंटू 100 करोगे तो ये है आपका परसेंटेज मिल गया। अब जब आप एक लेवल नीचे चले गए, आपने सॉल्टिंग आउट किया, तो आपका जो परसेंटेज यील्ड है वो आफ्टर जो सेकंड स्टेज पे बात करोगे तो एक्टिविटी आफ्टर आफ्टर जो याद रहे आफ्टर अपॉन जो है बिफोर की कहानी, और एक्टिविटी आफ्टर अपॉन एक्टिविटी बिफोर इंटू 100, तो एक्टिविटी आफ्टर डिवाइड बाई एक्टिविटी बिफोर, ठीक है, और इंटू 100 करोगे ये आपके केस। अब एक्टिविटी जो आफ्टर है वो है 93.7, और बिफोर कितना है वो आपके पास, सॉरी 93.7, ये तो परसेंटेज यील्ड है। एक्टिविटी आफ्टर है 23,416 है, और बिफोर जो था वो 25,000 था, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये सॉल्व करोगे तो वैल्यू 93.7% आएगी, ये है आपके सेकेंड स्टेज की। थर्ड स्टेज की जब बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 21,227,
डिवाइडेड करोगे इसको 25,000 से, तो ये इंटू 100 करोगे तो ये कितना हो गया पहले से 84.9। तो अब इससे जो है वो आपका 84.9 हो जाएगा। फिर अब फर्दर देखोगे तो 18 पॉइंट नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में, तो ये सेकंड स्टेप का था, ये थर्ड स्टेप का था क्या, परसेंटेज यील्ड, ठीक है। और फोर्थ स्टेप की बात करोगे तो वो 18,633 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 100 करोगे, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ रही है 74.5। तो यील्ड जो है वो 100 से घटते घटते यील्ड जो है वो घट रही है, परसेंटेज यील्ड जो होती है विथ प्यूरिफिकेशन डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। और उसके बाद जो फोल्ड प्योरिफिकेशन, देखो पहले टाइम पे आप उसको वन शो करोगे क्योंकि यहाँ पे जो है ये 333.3 बाई 333.3 का कहानी है, उतना ही आपका जो है प्योरीफाई होगा बिफोर, ये बिफोर है ठीक है, और आफ्टर इसके आगे चलते चल जाएगा। इसके लिए आपका हो जाएगा 433 डिवाइडेड बाई 333, दिस इज गोइंग टू 1.3। ये फोल्ड प्योरिफिकेशन 1.3 टाइम्स हो गया। अब ये करोगे तो ये हो जाएगा देखो 1725 डिवाइडेड बाई 333, तो ये स्पेसिफिक एक्टिविटी का कर रहे हैं आप तो ये 5.2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे 20,035 डिवाइडेड बाई 333, तो ये 60 टाइम्स हो जाएगा। तो ये है फोल्ड प्योरिफिकेशन। फोल्ड प्योरिफिकेशन इंक्रीज होता है और परसेंटेज यील्ड डिक्रीज होता है। परसेंटेज यील्ड में बिफोर आफ्टर अपॉन बिफोर जो करना है वो एक्टिविटी को लेके करना है, एक्टिविटी को लेके करना है इसका ले। और जो फोल्ड प्योरिफिकेशन करना है वो स्पेसिफिक एक्टिविटी को लेके करना है, यूनिट्स पर एमजी को। एक एग्जांपल मैंने समझाया और एक एग्जांपल आप और भी लेके समझ सकते हैं। अब यहाँ पे चीजों को मेंशन किया गया, पहला स्टेप है क्रूड एक्सट्रैक्ट, फिर अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन, फिर आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन, अफिनिटी। तो आपने यहाँ पे जो है वो पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, फिर तीसरा स्टेप है, एंड फोर्थ स्टेप एंड द फिफ्थ स्टेप। अब इसमें जो है फ्रैक्शन वॉल्यूम को भी शो किया गया और वॉल्यूम को जो है एमएल में जो है वो मेंशन किया गया, तो इस तरीके की चीजें हो सकती है। इसके बाद टोटल प्रोटीन को शो किया गया एमजी में, कभी कभी वॉल्यूम को भी शो कर दिया जाता है। उसके बाद एक्टिविटी शो किया कर दिया गया, एक्टिविटी जो है वो यूनिट्स में शो किया गया, यानी माइक्रो मोल पर मिनट में होगा ये, और उसकी एक्टिविटी को यहाँ मेंशन किया गया। और ये देखिए स्पेसिफिक एक्टिविटी दैट इज यूनिट्स पर एमजी, यानी एक्टिविटी पर एमजी जो है हो जाएगा, और परसेंटेज यील्ड आ गया, ठीक है। तो ये कुछ कहानी होगी। अब जब यहाँ पे परसेंटेज यील्ड की बात करते हो तो परसेंटेज यील्ड अपने लिए, तो जब एक्टिविटी की बात करोगे तो 1 लाख बाई 1 लाख होगा, तो 100% होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो बेसिक तौर पे कुछ ऐसा होगा, 1 लाख बाई 1 लाख होगा, ठीक है ना। और इंटू 100 होगा तो आप यहाँ पे शो कर दोगे कि ये परसेंटेज यील्ड 100% है। जब यहाँ पे बात करोगे तो देखो 96 है। अब यहाँ पे 96,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ठीक है, इंटू 100 करोगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टू 5 ये आ जाएगा 96। इसके लिए 80,000 है तो देखो 80% आ जाएगा, क्योंकि ये 80,000 यानी 80,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू था 100 ये आ जाएगा। सिमिलरली 60 के लिए 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, और 45,000 अगर एक्टिविटी है तो इसके लिए क्या हो जाएगा 45। तो कहीं ना कहीं जो है वो आपका फोल्ड प्यूरिफिकेशन पता चल गया कि किस हिसाब से जो है फोल्ड प्यूरिफाई हो रहा है, सॉरी परसेंटेज यील्ड। तो आपने ये देखा कि परसेंटेज यील्ड कैसे हो रहा है वो आपको पता चल गया। अब इसी के आगे एक किस्सा जो है वो आप शो कर सकते हो, दैट इज अ फोल्ड प्योरिफिकेशन का। अगर मैं यहीं पे एक कॉन्सेप्ट की बात करूँ कि व्हाट अबाउट द फोल्ड प्योरिफिकेशन, ठीक है ना, या प्योरिफिकेशन का जो कंडीशन, तो प्योरिफिकेशन या फोल्ड प्योरिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके स्पेसिफिक एक्टिविटी से मिला जुला होता है। तो आप स्पेसिफिक एक्टिविटी बिफोर आफ्टर अपॉन बिफोर करोगे, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप फोल्ड प्योरिफिकेशन यानी टाइम्स की बात करते हैं, परसेंटेज की बात नहीं करते, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखो स्पेसिफिक एक्टिविटी यहाँ पे 10 है, और ये बिफोर और आफ्टर खुद ही के लिए होगा, तो 10 बाई 10 पहले के लिए तो इस वैल्यू 1 ही होगी, अपने स्टेज के लिए, शुरुआत फर्स्ट स्टेज के लिए। इस स्टेज के लिए देखो स्पेसिफिक एक्टिविटी आफ्टर जो है वो 32 है, बिफोर 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 3.2, यानी कि पहले से 3.2 गुना ज्यादा बढ़ गया। फिर यहाँ पे देखो 200 हो गया, तो 200 बाई 10 करोगे तो यानी 20 टाइम्स बढ़ गया। फिर यहाँ पे देखो 60 जो है वो 600 बाई 110 करोगे तो 60 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 15,000 बढ़ गया, उसका मतलब ये जो है 10 से करोगे तो लगभग 1,500 टाइम्स जो है वो फोल्ड इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन सी द कैसे जो फोल्ड प्योरिफिकेशन बढ़ रहा है और परसेंटेज यील्ड बढ़ रहा है।
इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन पे आते हैं। तो मैंने इसको जो है एक्सप्लेन भी कर दिया कि फूड प्योरिफिकेशन के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने और परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करने। कुछ एग्जाम्पल्स देख लो फटाफट। तो अब एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, ये बोला जा रहा है कि प्रोटीन कंसेंट्रेशन ऑफ द क्रूड एंजाइम, क्रूड एंजाइम का जो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 mg/ml है एंड द 10 μL ऑफ दिस सैंपल, इसी सैंपल का जो है वो 10 μL लिया गया है एंड गेव एन एक्टिविटी ऑफ 5 μmol/min। देखो 5 μmol/min ये यूनिट्स है, μmol/min। तो आप इसकी एक्टिविटी को जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो एक्टिविटी यहाँ पे जो दिया गया है वो है 5 μmol/min, यानी आई कैन सिंपली से दैट कि दिस इज अ 5 यूनिट। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है यूनिट्स पर एमजी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और आपने जितना सैंपल लिया है वो 10 μL लिया है तो उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अब ध्यान दो कि 10 mg/ml आप सो कर, इसको यूनिटरी मेथड से समझा जाए तो यानी 1 ml सैंपल जो है वो 10 mg को कैरी कर रहा है। यानी अगर मैं 1 ml को μmL में करना चाहूँ तो ml से नीचे माइक्रो यानी कि 10^3 μmL/μL जो हो जाएगा वो बेसिक तौर पे 10 mg कैरी कर रहा है, ये 1 ml की कहानी। तो अगर 1 μL कितना करेगा, 1 μL हो जाएगा 10 mg/10^3। और आपने 10 μL में सॉल्व करना है तो 10 μL में हो जाएगा 10 × जो है 10^3 mg, ये कहानी होगी। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.1 mg। दिस इज द केस हियर। तो आप जो है वो 10 μL में सॉल्व करोगे क्योंकि आप वो यूज कर रहे हो, ना कि आप 1 ml यूज कर रहे हो। तो जितना आप यूज करोगे उसी हिसाब से तो उसकी उसमें जितना प्रोटीन होगा वो भी लोगे, टोटल तो लोगे नहीं। तो ये एक्टिविटी और ये एमजी हो गया। तो अब आपके पास स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एक्टिविटी यू नो दैट एक्टिविटी एक्टिविटी डिवाइडेड बाई द प्रोटीन इन एमजी। अब याद रहे कि प्रोटीन इन एमजी तो रखना है, लेकिन ये एमजी जो है वो आपने जितना सैंपल लिया वो रखनी। तो एक्टिविटी आप रखोगे 5 यूनिट्स और डिवाइडेड बाई प्रोटीन को एमजी में रखोगे 0.1 mg, तो दिस इज गोइंग टू बी द 50 यूनिट्स/mg। तो आंसर इज गोइंग टू बी 50। तो ये किस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है और आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ। अब इन्होंने द प्योरिफिकेशन डेटा जो है यहाँ पे बोला है, अब बताओ कि प्योरिफिकेशन डेटा के हिसाब से सॉल्व करना है। यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, टोटल प्रोटीन दिया है, एक्टिविटी एंड ऑल दिया। जो क्वेश्चन दिया है वो है फोल्ड प्योरिफिकेशन का। फोल्ड प्योरिफिकेशन जो है वो परसेंटेज में नहीं आएगा, वो जो है कितने फोल्ड प्योरीफाई कर रहे और कैसे जो है वो आपको सॉल्व करना है। तो इस टेबल को मैं अगर रख लूँ तो मेरे पास जो है वो कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी। एंड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम आप जो है क्या करोगे, जब भी आपके पास फोल्ड प्योरिफिकेशन की बात आती है याद रहे कि ये जो आंसर दिया गया है वो गलत है। ठीक है, आंसर डी नहीं होगा इस क्वेश्चन का, आंसर आंसर जो है वो सी होगा। और क्यों होगा उसके ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना, देखो आंसर दिया गया है डी लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि होगा सी। रीजन बिंग दैट कि इन्होंने पूछा है फोल्ड प्योरिफिकेशन फॉर द ईच स्टेप। ठीक है, तो अब फोल्ड प्योरिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी इसके लिए ये है, तो अगर मैं फोल्ड प्योरिफिकेशन की बात करूंगा तो 0.58 / 0.58 जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू तो पहले के लिए कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, एंड हियर नाउ 3.83 / 0.58 करोगे बिफोर आफ्टर करके तो ये वैल्यू आ जाती है 6.6 आ जाएगी। फिर उसके बाद आप 4.89 / 0.58 करोगे तो ये वैल्यू जो है वो 8.4 आ जाती है। और फिर आता है 7.32 / 0.58, ये आ जाएगा आपके लिए दैट इज 12.6। ये है आपके लिए फोल्ड प्योरिफिकेशन की वैल्यूज, 1, 6.6, 8.4 एंड 12.6। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आपके पास देखने को मिलेगी। देखो 1, 6.6, 8.4 एंड 12.6, ये जो वैल्यू आपको अवेलेबल है वो सी ऑप्शन में अवेलेबल है, ना कि जो है डी ऑप्शन में। तो उसका आंसर सी होना चाहिए, ना कि डी होना चाहिए, लेकिन कुछ लिटरेचर्स में जो है गलतियां मिलेगी आपको इस क्वेश्चन के लिए। अब सवाल ये आता है कि इसमें जब परसेंटेज यील्ड की बात करता है तब उसका कैसे सॉल्व करते। तो देखो परसेंटेज यील्ड जो है वो आप भी निकाल लो, नथिंग। यहाँ पे मैंने फोल्ड प्योरिफिकेशन तो आपको सो ही कर दिया, आप परसेंटेज यील्ड भी यहाँ पे निकाल सकते हो। परसेंटेज यील्ड में आप एक्टिविटी को बात करोगे, तो जब आप परसेंटेज यील्ड की बात करते हो तो वो यहाँ पे जब हम चर्चा करेंगे तो देखो पहले के लिए 102/102 करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट इंटू 100 करोगे तो अप्रोक्सीमेट 100% आएगा। अगले के लिए जो रखोगे वो 72/100 है, तो 72/102 इंटू 100 करोगे तो अप्रोक्सीमेट 70 के आसपास आएगा,
अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्टली मैं, क्योंकि कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, तो आप कर लेना तो बता दो। इसके बाद यहाँ पे 45 है और 102 है, इंटू 100 करोगे तो अप्रोक्सीमेट 45 के आसपास गए या 44 के करीब आए थे, ठीक है। और जब आप बात करते हो 30 और 102 और परसेंटेज निकालोगे तो ये 29% के आसपास आएगा। सो दिस इज योर परसेंटेज यील्ड। तो ये जो आंसर फोल्ड प्योरिफिकेशन और परसेंटेज यील्ड का जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को जो सॉल्व करना मैं आपको बता दूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आया कि एन एंजाइम हैज द एक्टिविटी ऑफ 2 यूनिट्स पर 20 माइक्रोलीटर, द प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन इज 0.4 mg पर ml, सो व्हाट शुड बी द स्पेसिफिक एक्टिविटी यूनिट्स पर mg। अब देखो दोनों को ही वॉल्यूम अलग अलग कर दिए, वैसे केसेस को आप थोड़ा सा वॉल्यूम को अलग करके और जो सॉल्व करने की कोशिश करोगे तभी अच्छे से कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है यहाँ पे देखोगे तो 20 माइक्रोलीटर, अब यूनिट अलग है, 20 माइक्रोलीटर की जो एक्टिविटी आप शो कर रहे हो वो 2 यूनिट शो कर रहे हो, ठीक है। तो अब 20 माइक्रोलीटर की एक्टिविटी को आप 2 यूनिट शो कर रहे हो, इसके बाद आपके पास जो है स्पेसिफिक एक्टिविटी यूनिट्स पर एमजी पूछा जा रहा है, और आपने जो है इसी में प्रोटीन के यूनिट्स को जो है 0.4 mg रखा है पर ml। इसका क्या मतलब है कि 1 ml ऑफ द सोल्यूशन कंटेन्स द 0.4 mg ऑफ द प्रोटीन। तो आपने 1 ml के रिस्पेक्ट में 0.4 mg को कंसिडर किया और यहाँ पे 20 माइक्रोलीटर में 2 यूनिट्स को लिया, तो अब पर ml आप एक्टिविटी भी तो लोगे। जब आपने पर ml 1 ml में जो है आपने प्रोटीन का अमाउंट लिया है तो 1 ml में आप एक्टिविटी लो, तो उसके लिए पहले आप यूनिटरी मेथड लगाओ। 20 माइक्रोलीटर को आप बोल सकते हो 20 × 10⁻³ ml, क्योंकि माइक्रो को ml में करोगे, माइक्रो से ऊपर जा रहे हो तो -3 हो जाएगा, ये है 2 यूनिट के बराबर, ठीक है। अब अगर मैं इसको बोलूँ तो ये 1 ml कितना हो जाएगा, 1 ml जो हो जाएगा वो आपके पास क्या शो करोगे, दैट इज गोइंग टू बी, तो इसको जो है आप मेंशन कर लीजिए। तो 20 माइक्रोलीटर जो है वो ये शो कर रहा था, तो आप इसको क्या मेंशन करोगे, तो दिस इज वेरी सिंपल, ये 20 × 10⁻³ को आप बोलोगे 0.02 ml, ठीक है ना। अगर 20 माइक्रोलीटर जो है वो आपके 2 यूनिट्स कर रहा था तो 20 × 10⁻³ क्या करोगे, तो इसमें 0.02 ml जो है कैरी कर रहा है 2 यूनिट्स में, दिस इज द केस। अब इसको सॉल्व करना है, राइट। अब क्या है कि दोनों तरफ जो है वो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 ml इज गोइंग टू बी द 200 यूनिट, राइट। अब 2 ml में अब इसको 1 ml में निकाल लो, तो 1 ml इज गोइंग टू बी द 100 यूनिट, तो 1 ml में कितने यूनिट आ गए, 100 यूनिट आ गए, ये कहानी होगी। 1 ml में कितना प्रोटीन था, ये था, तो आपकी एक्टिविटी और ये आ गया 1 ml, तो आप 1 ml के हिसाब से जो है आप आगे बढ़िए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्टिविटी, एंड एक्टिविटी इज गोइंग टू बी इन यूनिट्स एंड डिवाइड बाई द अमाउंट ऑफ प्रोटीन और एंजाइम इन द mg, तो अमाउंट जो है वो mg में शो करोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी द 100 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 0.4 mg। अभी इतने यूनिट्स पर ml है और इतने mg पर ml, तो ml ml वैसे ही कट जाना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी द 250, क्योंकि 0.4 को आप क्या मेंशन करोगे, जो है इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 जो है 0.4 है, ठीक है ना, तो 1/2.25 आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो है 250 आ जाएगा, तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज फोल्ड प्योरिफिकेशन का एग्जाम्पल, 250 आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि एन एंजाइम वाज प्योरीफाइड यूजिंग द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, पैन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से जो है आप इसको यूज कर रहे हैं, और व्हाट शुड बी द केस। अब यहाँ पे क्या केस बनता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है फोल्ड प्योरिफिकेशन एंड ऑल के लिए, तो अब इस क्वेश्चन को ले लेते हैं अगले जो है वो सॉल्यूशन स्टेप में और देख लेते हैं कि क्या आंसर जो है वो आने वाला। तो जब भी आपके पास इस तरीके का टेबल आएगा तो आपको मैं फोल्ड प्योरिफिकेशन और चीजों का जो है फॉर्मूला बता चुका हूँ। परसेंटेज यील्ड जो है वो एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होता है और फोल्ड प्योरिफिकेशन स्पेसिफिक एक्टिविटी पर। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं परसेंटेज यील्ड की बात करता हूँ तो परसेंटेज यील्ड जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द एक्टिविटी जो कि आफ्टर, तो यहाँ पे आप परसेंटेज यील्ड में आप क्या शो करते हो, एक्टिविटी आफ्टर मतलब आफ्टर द प्योरिफिकेशन एंड डिवाइडेड बाई द एक्टिविटी बिफोर, डिवाइडेड बाई द एक्टिविटी बिफोर, यही तो आप शो करते हो। अब एक्टिविटी आफ्टर जो यहाँ पे शो किया गया है वो कितना है, 800, ठीक है, सॉरी एक्टिविटी आफ्टर जो है वो है 200 और बिफोर कितना है, 800 है, और इनटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप परसेंटेज की बात करें, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी
25%, तो परसेंटेज यील्ड 25% आ गया। वॉट अबाउट द फोल्ड प्योरिफिकेशन? फोल्ड प्योरिफिकेशन इज अ स्पेसिफिक एक्टिविटी आफ्टर द प्योरिफिकेशन एंड डिवाइडेड बाई द स्पेसिफिक एक्टिविटी बिफोर द प्योरिफिकेशन। अब आफ्टर द प्योरिफिकेशन जो है वो होता है एक्टिविटी, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक एक्टिविटी शो किया ही नहीं, सिर्फ एक्टिविटी किया, लेकिन स्पेसिफिक एक्टिविटी ना निकाल सकते आप। एक्टिविटी पर यूनिट mg ऑफ द प्रोटीन आफ्टर एन एक्टिविटी पर यूनिट mg ऑफ द प्रोटीन बिफोर। तो एक्टिविटी आपके पास क्या था? 800, और टोटल प्रोटीन mg में यहाँ पे दिया हुआ है 400, तो 800 बाई 400 हो जाएगा ये, और जो है नीचे हो जाएगा 200 बाई 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपके लिए, ये उल्टा मैंने रख दिया। बिफोर जो है, आफ्टर जो है वो है 200 एक्टिविटी बाई 2 है, और बिफोर जो है वो 800 बाई 400। ठीक है, आफ्टर आपको ऊपर लिखना होता है ना, तो ये है प्योरिफिकेशन के बाद। तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 2, दैट इज गोइंग टू द 50 फोल्ड। तो आपको आ जा रहा है 50 फोल्ड जो है प्योरिफिकेशन और 25% यील्ड। तो इस तरीके से जो है आप शो करोगे कि 50 फोल्ड जो प्योरिफिकेशन है वो हो गया और 25% यील्ड आंसर जो है वो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि आपके पास जो है चार प्रोटीन है P1 P2 P3 P4, और इनमें जो है परसेंटेज हाइड्रोफोबिसिटी शो किया गया। परसेंटेज हाइड्रोफोबिसिटी जो शो किया गया है वो फोर प्रोटीन में यहाँ पे शो किया गया है, दैट इज 70, 10, 21 एंड 14। बोला जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है वो क्या होगा इन द अमोनियम सल्फेट। अब जिसमें परसेंटेज हाइड्रोफोबिसिटी से ज्यादा होगा उसका जो प्रेसिपिटेशन आप कैसा शो करोगे? ऑब्वियसली बात है, ज्यादा शो करोगे। तो अब इस केसेस में जो है परसेंटेज हाइड्रोफोबिसिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर बोलूँ तो सबसे ज्यादा जो है वो आपके पास आएगा P3, फिर उसके बाद है 70 दैट इज P1, फिर उसके बाद है P40 दैट इज P4, एंड उसके बाद है 10 दैट इज P8। तो यही तो ऑर्डर हो जाएगा, P3 उससे ज्यादा, फिर P1 उससे कम P1 होगा, और फिर P4 एंड दिस वन। तो दिस इज वेरी सिंपल, ये बहुत पुराना क्वेश्चन भी और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है भी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके फोल्ड प्योरिफिकेशन से आ सकते हैं। होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वो बाय, टेक केयर।